पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, अभी भी विदिशा में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, आज 5 बजे कैंपेन खत्म हो जाएगा, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, प्रधानमंत्री 3 बार आए, राजनाथ सिंह 3 बार, अमित शाह 2 बार, क्या जरूरत पड़ी है, क्या दिक्कत में है मध्य प्रदेश में बीजेपी? लोकतंत्र का महाउत्सव है चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ती है, जनता के बीच जाती है, और हमने किया है, इसलिए जो किया है वो बताते हैं। संकल्प पत्र भी हमारा जनता के सामने है। पूरे मध्य प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आंधी चल रही है, मोदीमय है पूरा प्रदेश, और अब तो आपका चैनल भी कह रहा है कि 29 में से 29 सीटें जीतने वाले हैं। कांग्रेस की ओर से सिर्फ और सिर्फ एक नेता है, और राहुल गांधी सिर्फ एक सभा करने, कोई बड़ा नेता दिल्ली से मध्य प्रदेश में नहीं आया। कांग्रेस में कोई नेता अब रहने ही नहीं चाहता, उल्टे सीधे फैसलों के कारण कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता विचारवान लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, या उनका दिल बैठा हुआ है। वो दिशाहीन और भटकी हुई कांग्रेस के पक्ष में कई लोग आने नहीं चाहते। सर, छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली इनकाउंटर हुआ है, एक बड़ी सफलता इसे कहें, मगर भूपेश बघेल सवाल उठा रहे, कह रहे तो फर्जी इनकाउंटर है, गोली के बदले गोली चला रहे। अब ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जब भी कोई कार्रवाई हमारे सुरक्षा बल करते हैं, अपनी जान हथेली पर रख के, सिर पर कफन बांध के, तब कांग्रेस ऐसे ही सवाल उठा के आतंक फैलाने वालों का साथ देती है। ये कांग्रेस के डीएनए में ही है। चलिए, कांग्रेस के डीएनए में ही है, जब भी सेना, बीएसएफ या पुलिस अपनी जान पर खेलकर इस तरह के ऑपरेशंस करती है, उसमें सफलता मिलती है, उसके बाद कांग्रेस इसी तरह से सवाल उठाती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, विदिशा।